हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो प्रॉब्लम नंबर वन देखते हैं, क्या है। सॉल्व डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy ओवर डी एक्स माइनस 3 y इक्वल टू 0। मैंने इसकी थ्योरी की वीडियो अपलोड कर दी है, आप पहले थ्योरी की वीडियो देखो, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्या है सॉल्यूशन? गिवेन डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy ओवर डी एक्स माइनस 3 y इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन मान लेंगे। जो गिवेन होगा इसको इक्वेशन मान लोगे, वन मान लोगे। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 5 d माइनस 3 into y इक्वल टू 0, वेयर डी इज इक्वल टू क्या है, डी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम डी को रिप्लेस कर देंगे किससे, एम से। सो हेयर एम क्यू माइनस एम स्क्वायर माइनस 5 m माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, 3 है। अगर इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होती तो हम सिद्धरा आचार्य मेथड से इसके रूट्स को फाइंड कर सकते थे, लेकिन हमारे पास जो डिग्री है वो 3 है। तो हम क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू 1, 2, 3, -1, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, अगर जो इक्वल टू सेटिस्फाई कर गया यही रूट होगा। तो हमने एम इज इक्वल टू -1 पुट किया और ये सेटिस्फाई कर गया। एम इक्वल टू -1 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम प्लस वन। अब एम प्लस वन से मैंने फैक्टर कर दिया यहाँ से ना, जब फैक्टराइज किया यहाँ पे इसको, तो क्या हो गया, एम स्क्वायर माइनस 2 एम माइनस 3 इक्वल टू 0। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे, एम प्लस वन जब इसको मैंने तोड़ा, सो क्या निकला हमारे पास, एम प्लस वन एम माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सिद्धरा आचार्य मेथड से जब मैंने फार्मूला लगाया तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू क्या होगा, -1 -1, 3। तो यहाँ पे देखो आप रूट्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो कंप्लीट सोल्यूशन निकालें या जनरल सोल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दोनों बात, तीनों बात एक ही है। किसके, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए और यहाँ पे होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बात एक ही है, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं लगता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डज नॉट हैव अ सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे रिपीट दो बार कर रहा था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस एक लैम्डा को लिख दिया, ई का पावर लैम्डा एक्स, मतलब -1, तो ई का पावर -x प्लस, एक बार रिपीट करेगा तो यहाँ एक्स आएगा, अगर दो बार करेगा तो प्लस, तीन बार करेगा C3 × x² आ जाएगा, तो दो बार कर रहा है तो यहाँ पे C1 + C2 × x, फिर ब्रैकेट बन गया, +C3, जो लैम्डा डिस्टिंक आया था 3, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, +C3 e का पावर 3x, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन बना होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, हाफ ऑर्डर इन में, तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये चीजें, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा 0 होगा, अगर यहाँ 0 होगा होमोजीनियस के केस में, तो हमेशा पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा। तो इसकी एक मैं क्लास लूंगा, इसमें बताऊंगा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना, इसके कई फार्मूले हैं। तो अभी हम होमोजीनियस देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा 0 होगा होमोजीनियस में। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ, क्या है यहाँ पे, सॉल्व डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy ओवर डी एक्स माइनस 12 y इक्वल टू 0। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे ना, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 4 d माइनस 12 y को यहाँ कॉमन ले लेंगे, y इक्वल टू 0, डी की वैल्यू मैंने बता दी है, तो यहाँ पे हम डी को रिप्लेस कर देंगे एम से, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस 4 m - 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिद्धरा आचार्य जब मेथड लगाओगे तो यहाँ पे ये ऑप्टेन करोगे, ऑप्टेन करने के बाद आपके पास जो रूट आएंगे क्या आएंगे, -6, 2, तो आपके पास डिस्टिंक आ गया ना, डिस्टिंक रूट, डिस्टिंक में क्या होगा, C1 e का पावर λx + C2 e का पावर λ2x एंड सो ऑन चलता रहेगा ना। तो यहाँ पे C1 e का पावर -6x + C2 e का पावर 2x, ऐसे ही बोला था ना, C1 e का पावर λx λ1x + C2 e का पावर λ3x + C3 e का पावर
ये लैम्डा 2n, लैम्डा 3, एक्स प्लस चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। क्या है? सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने बोला डायरेक्ट आप डी की जगह एम लिख दो डायरेक्ट, है ना। सो देखो यहाँ पे एम का पावर 4 प्लस एम क्यूब माइनस 6 m² माइनस 14 m - 12 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे एम इज इक्वल टू 3 और एम इज इक्वल टू माइनस 2 पुट किया, तो इक्वल टू यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर गया। तो सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे दो रूट हमने यहाँ पे लिख लिए। अब ये दो रूट मुझे पता है तो यहाँ पे इससे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ आएगा m² प्लस 2m + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, एम इक्वल टू 3, एम इज इक्वल टू माइनस 2, इसके रूट्स हो जाएंगे। यहाँ पे m² प्लस 2m + 2 इक्वल टू 0 है, तो इसको सिद्धाचार्य मेथड से जब फाइंड करेंगे तो आपके पास रूट आएंगे क्या, -1 + iota, -1 - iota। तो आपके पास रूट्स क्या हो गए, एम इज इक्वल टू 3 माइनस 2 -1 + iota, -1 - iota। तो यहाँ पे पहले डिस्टिंग का काम कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू c1 e का पावर 3x प्लस c2 e का पावर -2x प्लस। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 होगी ना। तो e का पावर -λx होता था यहाँ पे, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -1, तो e का पावर -x ब्रैकेट बंद c3 cos x, बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला होता है डायरेक्ट, है ना। तो c3 cos x प्लस c4 sin x। तो ये आप फार्मूला देख लेना, मैंने कराया है सब कुछ। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एग्जाम में कुछ भी पूछे आप यही फाइंड करना, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब क्या है प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। क्या d4 ओवर dx का पावर 4 + y = 0। तो सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे d को रिप्लेस कर दो m से, तो m का पावर 4 + 1 = 0। या तो m का पावर 4 + 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m² + 1 का होल स्क्वायर - 2m² = 0। आप a + b² का फॉर्मूला लगाओगे तो आप यही चीज ऑप्टेन कर जाओगे ना, m का पावर 4 + 1 = 0। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं ना, इनमें से एक तरीका है जो मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, m² + 1 का होल स्क्वायर - √2 m² = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम एक आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, x² - a² = x - a x + a, सो यहाँ पे m² + 1 + √2 m² + 1 √2 m - यहाँ 0। तो m इज इक्वल टू, जब आप फाइंड करो m = 1 + iota/√2, m इज इक्वल टू यहाँ से फाइंड करोगे तो -1 + iota/√2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये कॉमन आ गए, दोनों रिपीट कर रहे हैं ना। तो देखते हैं, तो e का पावर माइनस, रिपीट नहीं कर रहे हैं सॉरी, अलग अलग है ना। तो e का पावर -x/√2, जब आप इसका लोगे पहले, इसका दोनों में से कोई भी पहले ले सकते हो आप ना, e का पावर माइनस लैम्डा ना, तो e का पावर -x/√2 c1, यहाँ पे बीटा होता है, कॉस बीटा की वैल्यू 1/√2 है, तो यहाँ cos x/√2 प्लस c2 sin, यहाँ कोई कह सकता है कि बीटा की वैल्यू कहीं, बीटा की वैल्यू 1/√2 भी हो सकती है और -1/√2 भी हो सकती है। तो कोई नहीं प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मैनेज कर देगा इसको ना, माइनस बाहर ला दोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया मैंने, और प्लस e का पावर x/√2। अब ये वाला ले चलो आप, ये है इस वाले से, e का पावर x/√2 ब्रैकेट बंद c3 cos x/√2 प्लस c4 sin x/√2, ये आपका सोल्यूशन। तो यहाँ पे साइन है ना, sin x/√2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या प्रॉब्लम नंबर 5, d-2 d² + t + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ऑक्सिलरी क्वेश्चन डायरेक्ट हम चलते हैं, m-2, ठीक है, m² + m + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, 2, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिद्धाचार्य मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1/2 + -√3/2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास रूट हो गए, एम इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे -1/2 + -√3/2, यही सेम चीज यहाँ पर भी है। तो इसके लिए क्या होगा, तो आपके पास जो लैम्डा है यहाँ पे,
यहाँ जो लैम्डा इज कॉमन आएगा, क्या आएगा, -1/2 है ना, यहाँ -1/2, तो होता था फार्मूला e का पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो e का पावर माइनस लैम्डा एक्स इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, तो इसलिए मैंने कॉमन ले लिया, e का पावर -t/t लिख लो या x लिख लो आपकी मर्जी, x लिख लो आप इसको, -x/√2। अब देखो ये दो आप दोनों सेम है, तो मैंने बताया जब सेम होते हैं तो यहाँ एक्स आ जाता है, अगर 3 बार सेम होंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा लास्ट में, तो C1 + C2 × x। अब यहाँ पे cos√3/2 बीटा की वैल्यू है इंटू एक्स, प्लस C3 + C4 x sin√3/2 × x ना, क्योंकि रिपीट कर रहे हैं ना ये दोनों आपस में, तो यहाँ एक्स होगा, अगर 3 बार यही आता तो यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे एक और लग जाता C5 × x का पावर 2, ऐसे ही चलता रहता। अब यहाँ पे डिस्टिंग क्या आपके पास m = 2, तो यहाँ पे लिख दो C5 × e का पावर 2 x। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ, सॉल्व d-1 का पावर क्यूब × y = 0, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दो, d को रिप्लेस कर दो m से, तो m-1 का पावर क्यूब इक्वल टू 0, सो m = क्या होगा, 1, 1, 1, 3 बार रिपीट किया, तो आपका लैम्डा क्या है, यही है e का पावर λx, तो e का पावर x। अब उसके बाद 3 बार है तो यहाँ पे एक्स एक्स क्यूब हो जाता, अगर 4 बार होता तो क्या होता, C4 × x का पावर 4 हो जाता, तो e का पावर x (C1 + C2 × x + C3 × x³). मैंने पिछली वीडियो में इस चीज की थ्योरी को बता दिया, तो आप प्लीज ये प्रैक्टिस सेशन देखने से पहले आप इस थ्योरी को जरूर देखिए, बिना थ्योरी के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। थैंक यू।